अजमेर में अदालतों में आज वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया और कोर्ट के सभी कामकाज को ठप करवा दिया। एडवोकेट वेलफेयर फंड की राशि बढ़ाने के विरोध में आज एक दिवसीय कार्य बहिष्कार का विरोध किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो एडवोकेट वेलफेयर फंड की राशि बढ़ाई गई है उसका हम विरोध करते हैं। पहले 17,500 रुपए राशि वसूली जाती थी, अब यह राशि 1,00,000 रुपए कर दी गई है और साथ ही वकालतनामा का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं और इसी विरोध के चलते आज एक दिन का कार्य का बहिष्कार किया गया है। गत दिनों विधानसभा के अंदर जो एडवोकेट वेलफेयर अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है उसके अंदर 17,500 रुपए के जो आजीवन फीस थी वेलफेयर फंड की उसको बढ़ा के सीधा 1,00,000 रुपया 6 गुना बढ़ा दिया गया है और जो 25 रुपये के टिकट से वेलफेयर के उनको बढ़ा के 100 रुपये और 200 रुपये कर दिया गया है। उसके विरोध में आज अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है। उसके बाद हम आगे की रूपरेखा बढ़ा के उस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और जब तक ये काला कानून राज्य सरकार वापस नहीं लेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और उसके लिए हम आज कलेक्टर साहब को राज्यपाल के पास हमने एक ज्ञापन भेजा कलेक्टर साहब के जरिए जिसमें हमने इस काला कानून को वापस लेने से मना किया है कि काला कानून वापस ले लें और जो राज्यपाल साहब के पास हस्ताक्षर के लिए गया हुआ है उसको हस्ताक्षर ना करें, उसको लेके हमने राज्यपाल महोदय को एक कलेक्टर साहब के थ्रू एक ज्ञापन पेश किया है। दूसरा, आज हमने पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य स्थगित रखा है और आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे। ये हमारे युवा अधिवक्ता हैं जिनके लिए 17,500 से के लिए बढ़ा के 1,00,000 रुपये करा गया है वेलफेयर फंड, उसके विरोध में, क्योंकि युवा अधिवक्ता एकदम इतना पैसा एक साथ जमा कराना असंभव है, उनके हितों पे और अधिकारों पे कुठाराघात है, उसके विरोध में आज हमने न्यायिक कार्य स्थगित रखा है और हमारा आंदोलन आज से चालू हो गया है और जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।